हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल राहुल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एम्ब्रॉयडरी मशीन का डिज़ाइन कैसे छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपका फ्रेम का डिज़ाइन चल रहा हो और हल्का सा छोटा करना हो, 5% 7%, वो किस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाफ ड्राइव मानना है, ये दोनों बटन, ठीक। उसके बाद फिंगर वाले बटन को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये वाले ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट वाले पे ही आपको इंटर बटन दबाना है। उसके बाद ये वाले ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे 2 नंबर और 3 नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है, वाई और एक्स का जो ऑप्शन 100 100 जो दिख रहा है आपको, दोस्तों अगर चौड़ाई में आपको छोटा करना है, मान लो 5% आपको छोटा करना है, तो इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल 5% छोटा करना है आपको, 95 कर देना है, 95, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा देना है। उसके बाद जैसे लंबाई और चौड़ाई में दोनों में आपको 5-5 करना है, तो वाई वाले जो 3 नंबर पे है उस वाले को भी आपको इंटर बटन दबाना है, और यहाँ पे भी आपको 95 करना है, अगर दोनों तरफ से 5-5% कम करना है तो, ठीक है दोस्तों। इंटर बटन दबाने के बाद जैसे ये देखो दोस्तों, इस तरीके से आपका दोनों चारों तरफ का दोनों साइड से 5-5% छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आपको एक तरफ का ही करना है, तो आपको एक तरफ का ही 95 रखना है। मान लो मुझे हाइट में 5% कम करना है, तो वाई वाले जो है वो हाइट का होता है और एक्स वाले होता जो है वो चौड़ाई का होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप एम्ब्रॉयडरी मशीन का डिज़ाइन छोटा कर सकते हैं।